राजस्थान में एग्जिट पोल कह रहा है कि एनडीए को 15 से 19 सीटें राजस्थान में मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 6 से 10 सीटें मिल रही है। राजस्थान में अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है, यानी पिछली बार जो सिचुएशन थी 2019 में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान में, जहां पर बीजेपी बिल्कुल क्लीन स्वीप कर रही थी, यहां पर इस एग्जिट पोल में वो तस्वीर नजर नहीं आ रही है। शोभना, ठीक है, प्रेम शुक्ला का हमें लगता है प्रेम शुक्ला जी का बिल्कुल रिएक्शन इस पर लेना बनता है। प्रेम शुक्ला जी, इस आंकड़े पर आपका क्या रिएक्शन है जो राजस्थान से आया? अपना विज्ञान है, आपका अपना विज्ञान, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। उस पर आपका मनोविज्ञान क्या कहता है? नहीं, हमारा मनोविज्ञान कहता है कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, और 287 सीटें जो है 2019 में भी एग्जिट पोल हमको दे रहा था, 353 भारत एनडीए आई थी, तो आपका विज्ञान जो उसको प्रणाम कर रहे हैं, और आपकी जो जीनिया है उसके जीनियस होने पर भी हमको कोई आशंका नहीं है, लेकिन हमको अपने मतदाताओं के जीनियस होने पे रंच मात्र भी आशंका नहीं है, और हमारे कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व, हमको निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए जो है वो चमत्कारी परिणाम लाएगी। ठीक है, चलिए, हमारे साथ अब बाहर से भी दो गेस्ट जुड़ रहे हैं। राजीव रंजन जी जेडीयू से हैं, और हमारे साथ अनुमा आचार्य, विंग कमांडर।